हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आप सभी लोगों ने एक जीआई टैग के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जीआई टैग होता क्या है, ठीक है, ये क्यों दिया जाता है और किस चीज़ को दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। जो जीआई टैग की फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, भौगोलिक संकेतक बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इसे हिंदी में हम भौगोलिक संकेतक बोल देते हैं, ठीक है। और ये दिया क्यों जाता है, ये दिया इसलिए जाता है कि कोई जो मुख्य उत्पाद होता है या फिर कोई विशेष प्रोडक्ट होता है, उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अगर आसान शब्दों में मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ, तो ये जो जीआई टैग है, किसी किसी स्पेशल प्रोडक्ट का कहाँ पर वो पैदा हो रहा है या फिर कहाँ पर वो बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ों के लिए दिया जा सकता है। एक तो मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है, और नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से या तो पैदा हुआ हो या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा उसका प्रोडक्शन किया गया हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये दिया इसलिए जाता है कि किसी स्पेशल प्रोडक्ट को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करें तो ये देता कौन है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, ये इस एक्ट के तहत दिया जाता है, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ओके। और फिर उसके बाद हम बात करें तो ये कितने समय के लिए दिया जाता है, ये जो है ये 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए, ये 10 साल के लिए दिया जाता है। इसको जो है बाद में 10 ईयर्स के बाद में हम इसको रिन्यू भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कितने समय के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद ये मैन मेड और नेचुरल वस्तुओं, ठीक है ना, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं या फिर मैन मेड भी होते हैं, तो इन ये दोनों तरीके की चीज़ों के लिए जो जीआई टैग है ये दे दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले ये जो जीआई टैग था इंडिया में, किसे दिया गया था, तो ये जो सबसे पहले जीआई टैग था वो था दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसकी चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जो जीआई टैग होता है, किसी स्पेशल प्रोडक्ट का किसी स्पेशल प्लेस पर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर वो वहाँ पर उग रही है, एक तरीके से पैदावार हो रही है उसकी, तो उस लिए उस चीज़ को एक तरीके से वेरीफाइड करने के लिए या फिर बोल सकते हैं उसका संरक्षण करने के लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। उसका कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता। सपोज दैट कोई चीज़ यूपी में पैदा हो रही है या फिर यूपी के किसी स्पेशल जगह पर या कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई पैदा हो रही है, तो उसके नाम से कोई अदर स्टेट या फिर कोई अदर प्लेस उसके नाम से उस चीज़ का, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकता और ना ही उसके नाम से बेच सकता है, तो ठीक है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो थी जीआई टैग के बारे में, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म के बारे में बता दिया, क्यों दिया जाता है उसके बारे में मैंने बता दिया, कौन देता है, किसके अनुसार दिया जाता है, ठीक है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। तो कितने समय के लिए दिया जाता है ये भी मैंने बता दिया, मैन मेड और नेचुरल थिंग्स सभी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, और अब तक करीबन 400+ जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको ये जो है जीआई टैग है वो दे दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।